हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रहा था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो नॉन होमोजीनियस और दूसरी होमोजीनियस। तो लास्ट क्लास में हमने नॉन होमोजीनियस टाइप की इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करा था कि हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका अगला पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक आज सॉल्व करेंगे दीक्षा इंस्टीट्यूट में, वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। मैंने आपको कल भी बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हर एक टर्म की डिग्री जो होती है वो सेम होती है, यानी वेरिएबल हर एक टर्म में इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। और या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस को लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो b है अगर वो जीरो हो रहा है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लेट कंसिडर करते हैं। हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। अब हम इसे x इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x, y और z, और b की वैल्यू आ जाएगी 0, 0 और 0। यहाँ पर b 0 है यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब आप इसमें ये तो पता लगा लेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए आप देखिए कि अगर हम ax इक्वल्स टू b की फॉर्म है तो सबसे पहले हम y कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, दूसरा केस बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि इसमें नो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ये एक अच्छी बात इसमें है। आप ऐसा क्वेश्चन में कई बार पूछ भी लिया जाता है पेपर में कि किस इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन नहीं मिलते, तो होमोजीनियस इक्वेशन अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस वाले यूनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर x की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, y की वैल्यू भी जीरो हो जाती है और z की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्राइवल सॉल्यूशन। तो जब भी आपका होमोजीनियस इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि दीज इक्वेशंस हैव ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x इक्वल हो जाता है y के, y इक्वल हो जाता है z के, और ये तीनों इक्वल हो जाते हैं जीरो के। अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको वही करना है। क्या करना है कि लेट जेड को आप के मान लीजिएगा, या दो क्वांटिटी हो तो किसी भी एक वेरिएबल को के मान लीजिएगा। मूव टू RHS, सॉल्व रिमेनिंग इक्वेशंस, रिमेनिंग टू इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। अब x और y की आपको वैल्यू मिल जाएगी, z आपने k माना ही था तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी थी। अगर नॉन होमोजीनियस थी तो लास्ट क्लास मेथड से यूज़ करना है, और होमोजीनियस इक्वेशन थी तो अब मैं आपको बता दिया है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन में ax इक्वल्स टू b, सबसे अच्छी बात है कि नो सॉल्यूशंस नहीं होते, इसमें आपको याद रखना है। जब भी ax इक्वल्स टू b आएगा और होमोजीनियस है तो आप डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल टू जीरो। इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू जीरो देन इक्वेशंस ऑफ f देन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो वॉच वी डू, इफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन वी पुट एनी वेरिएबल इक्वल्स टू k, हेयर आई एम पुटिंग z इक्वल्स टू k, देन मूव द वेरिएबल k या स्केलर k वेरिएबल z टू RHS, देन सेलेक्ट टू इक्वेशंस आउट ऑफ थ्री गिवन इक्वेशंस एंड सॉल्व देम फॉर x एंड y। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड y, देन x इक्वल्स टू वॉट एवर वी गेट बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन, देन वाई इक्वल्स टू वैल्यू एंड कंसिडर और देन पुट जेड इक्वल्स टू के, सो दिस गिव अस द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अब हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप की इक्वेशन आती हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपका। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू जीरो, 3x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू जीरो। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ax इक्वल्स टू b वाली फॉर्म में चेंज कर लेंगे। a हमारे पास आ जाएगा 2, 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 3, 1, 3। फिर x वाली वैल्यू लिखेंगे x, y और z। इसके बाद हम b वाली वैल्यू लिखेंगे 0, 0, 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, देन यू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a आप निकालेंगे तो ये हो गया आपके पास 2, 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 3, 1, 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 लिया आपने, ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस साइन लगाया माइनस 2, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। माइनस 3 ये और ये छोड़ देंगे, 3 वन ज़ा 3, माइनस साइन लगाया माइनस 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस 1 ये और ये छोड़ देंगे 1, माइनस साइन लगाएंगे माइनस 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 1 इंटू 2, तो माइनस का 2 9, माइनस का 27 4, ये माइनस का 4, तो माइनस 2 और ये माइनस 6, माइनस का 33। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस का 33 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इफ़ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन यहाँ पे आप लिखोगे हेयर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज होमोजीनियस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी हैं, होमोजीनियस हैं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन हैव ट्राइवल सॉल्यूशन, दैट इज एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0। बस इतना आपको लिखना है, ट्राइवल सॉल्यूशन हो गया, एक क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं हम। और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। हमें दिया गया है x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस फाइव जेड इक्वल टू जीरो। पहला इक्वेशन हमें दिया है x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, सेकेंड दिया हमें x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, थर्ड दिया 3x प्लस सिक्स वाई माइनस फाइव जेड इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आप इसे ए एक्स इक्वल्स टू बी वाली फॉर्म में लिखेंगे, 1 माइनस टू 1, 1 1 माइनस 1, 3 6 माइनस 5। एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे एक्स वाई और जेड, और बी आपके पास आ गया 0 0 0। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टू 1, 1 1 माइनस 1, 3 6 माइनस 5। 1 आपने लिखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये और ये छोड़ देंगे तो माइनस फाइव, माइनस एन लगाए माइनस सिक्स, तो प्लस का सिक्स हो जाएगा। माइनस और माइनस टू प्लस का टू आ जाएगा, ये और ये छोड़ देंगे तो माइनस का फाइव, माइनस एन माइनस थ्री, प्लस का थ्री हो जाएगा। वन आपने लिखा प्लस का वन, ये और ये छोड़ देंगे तो सिक्स माइनस थ्री। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये आपका वन बचेगा, वन इंटू वन वन, यहाँ पर आपका माइनस टू बचेगा तो ये माइनस का फोर हो जाएगा, थ्री प्लस का थ्री, फोर माइनस फोर, ये आपका जीरो आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके यहाँ पर हो गए। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल को के मानना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, लेट जेड इक्वल्स टू के, स्टार्टिंग की दो इक्वेशन ली, तो ये आपकी हो गई एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस के, क्योंकि प्लस का के आएगा उधर जाके माइनस के हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ली आपने एक्स प्लस वाई, और ये आपकी आ गई इक्वल्स टू के। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दो इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली और जेड की वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया। जेड की वैल्यू को अगर हम के यहाँ पर रख रहे हैं तो एक्स माइनस टू वाई के रखा उधर जाके माइनस के हो गया, और एक्स प्लस वाई यहाँ पर हमने के रखा तो उधर जाके वो प्लस का के हो गया। अब इन दो इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है आगे। अब अगेन वैसे हम वही करेंगे कि हम इसे ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये वाले ए एक्स बी अलग हो गए, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग सिस्टम चल रहा है बिल्कुल। हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस टू 1 1, एक्स की वैल्यू आ गई एक्स और वाई, और बी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के और के।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 - 2 1 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 माइनस एन लगाए -2 + 2, तो ये कितना आ गया 3, नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर आप ऐसा मत करिएगा कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया ट्राइवल सॉल्यूशन लिख दें कि एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो गई, ना, वो तो होमोजीनियस इक्वेशन में होता था। यहाँ पर बी 0 के इक्वल नहीं है, यानी अब जो सिस्टम आ गया है वो कौन सा आ गया है, नॉन होमोजीनियस का आ गया है। होमोजीनियस को सॉल्व करते करते हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम में चले गए। अब ऐसा मत करना कि यही ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, आपने बताया था कि नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो एक्स और वाई 0 हो जाएंगे। ये लेकिन ये वो तब होते हैं जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होती है, होमोजीनियस होती है। अब यहाँ पर जब हमने जेड को के मान लिया, ये इधर आ गए, तो अब यहाँ पर बी जो मैट्रिक्स है वो ये है। अब बी मैट्रिक्स ये है तो यहाँ पर बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कौन से वाली कंडीशन में चले गए, नॉन होमोजीनियस वाली कंडीशन में हम चले गए। अब नॉन होमोजीनियस में अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलती थी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकलती थी ए इनवर्स बी कर। अब आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले स्को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो देखिए C11, तो -1 की पावर 1 + 1, ये और ये छोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया। C12 -1 की पावर 1 + 2, ये और ये छोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया। C21 -1 की पावर 2 + 1, ये और ये छोड़ देंगे -2, माइनस माइनस मिलकर प्लस का 2 हो जाएगा। C22 -1 की पावर 2 + 2, ये और ये छोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 1 आ जाएगी। तो Cij कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 1 - 1 और 2 और 1। अब यहाँ से आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो Cij का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा 1 - 1 2 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, 1 upon determinant of A into में adjoint of A। तो determinant of A की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी वो कितनी आ रही थी, 3, तो 1 upon 3, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, 2, -1 और 1 आ गई। अब ए इनवर्स आ गया, x की वैल्यू आप कैसे निकालने वाले थे, ए इनवर्स b का इंटू करके, तो ए इनवर्स आपने रख दिया 1/3 1 2 - 1 1, और b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही थी, ये रही -k और k, इंटू करेंगे तो 1/3, देखिए अब -k 1 का इंटू करा +2k, इसमें इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस का k और ये प्लस का k, तो ये 1/3, ये हो गया आपका 2k, k आ गया और ये 2k आ गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू x, y, ये आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा k/3 और 2k/3। आप इसे लिखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी k/3, y की वैल्यू हो जाएगी 2k/3, और z आपने क्या माना हुआ था, z आप यहाँ पर k लेके चले थे। तो ये आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के आंसर आ गए कि x जो है वो k/3 के इक्वल है, y जो है वो 2k/3 के इक्वल है, और z इक्वल्स टू क्या है, k। तो ये क्वेश्चंस आपने देख लिए। बस इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाए हैं दोनों के, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के और होमोजीनियस इक्वेशंस के, आपको उनको फ्लो चार्ट को ढंग से याद कर लेना है। अब आप फ्लो चार्ट अगर याद कर लेते हैं तो कहीं भी कोई कंफ्यूज आप नहीं हो पाएंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको फ्लो चार्ट याद होगा, आप उसके हिसाब से चलेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि होमोजीनियस की बात कर रहे हैं या फिर नॉन होमोजीनियस, वो आप चेक कर लीजिएगा, उसी का फ्लो चार्ट फॉलो करिएगा। बस नॉन होमोजीनियस, वो होमोजीनियस में जब आप इनफाइनाइट वाले सॉल्यूशंस करेंगे तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी वेरिएबल जेड मान के दो इक्वेशंस लेंगे तो अब वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस वाली जो क्वेश्चन था अब वो किस में बदल गया, होमोजीनियस में। तो यहाँ पे ऐसा गलती ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ट्राइवल सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए वाली जब इक्वेशंस बनती हैं तो होमोजीनियस इक्वेशन वाली कंडीशन खत्म हो जाती है, बी की वैल्यू आ जाती है, बी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे सॉल्व करते वक्त कि हम होमोजीनियस के लिए सॉल्व कर रहे हैं या नॉन होमोजीनियस के लिए, और जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक्स इक्वल्स टू भी जो भी आप लेके चले उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में होमोजीनियस था फिर वो मूव करके नॉन होमोजीनियस में चला गया और आप फ्लो चार्ट फॉलो कर रहे हैं किसका, होमोजीनियस का, तो आपसे गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले फ्लो चार्ट आपको याद करना है, फिर मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको करने हैं। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो बुक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, कहीं से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं और आते रहे, तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।